तो दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो आ गया हूँ एक और इंडिपेंडेंट कोठी लेके। 108 गज में बनी हुई 3 BHK कोठी है और एक बार आप देखिए इसका एलिवेशन, बहुत प्यारा एलिवेशन है। और जो इसकी फेसिंग रहने वाली है वो साउथ फेसिंग रहने वाली है, बिल्कुल अपकमिंग 200 फुट रोड के पास होने वाली है। आपको उसके भी व्यू दिखाऊंगा। बड़ी बड़ी रोड्स 30 फिट की आपको सारी रोड्स मिल जाती हैं। और ये आ गया इसका एंट्रेंस गेट, बहुत प्यारा, बहुत हैवी आपको एंट्रेंस गेट मिल जाता है। और अंदर आएंगे तो पूरा दोस्तों ग्रेनाइट लगा हुआ है और ये यहाँ पे आपकी एक आराम से गाड़ी पार्क होने वाली है। और अगर मैं इस पार्किंग की साइज़ की बात करूँ, 15x10 इसका साइज़ रहने वाला है। और इधर आपकी आ जाती है 2-व्हीलर पार्किंग। तो 2-व्हीलर पार्किंग की साइज़ की बात करूँ, 11x5 इसका साइज़ रहने वाला है। यहाँ पे आपको दोस्तों एक मिल जाता है वाटर स्टोरेज टैंक, आपका 3000 लीटर की स्टोरेज यहाँ पे भी रहने वाली है। और देखिए बड़े बड़े आपको ग्लास मिलते हैं दोस्तों। एक बार आप इसका देखिए एलिवेशन, बहुत प्यारा एलिवेशन, और व्यू देखिए आप एक बार इसका, अच्छा व्यू आपको ये मिलने वाला है। तो आप दोस्तों इसको देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप हमें जल्दी से कॉल करें और अपनी विजिट जरूर प्लान करें। तो एक बार ये देखिए आप आ चुके हैं इस घर के अंदर। और ये देखिए आप इसके व्यू, बहुत प्यारे व्यू। तो सबसे पहले आप देखिए इसका एंट्रेंस डोर, स्मार्ट लॉक आपको इंक्लूड रहने वाला है। और अंदर आओगे तो दोस्तों देखिए बहुत प्यारे आपको ये POP के डिज़ाइन मिलते हैं। और ये वॉलपेपर सीलिंग देखिए बहुत प्यारी, स्पेशली वुडन का टच बहुत अच्छा दिया गया। POP के डिज़ाइन इस पूरी वॉल पर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको बहुत बड़े साइज़ की विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए ग्लास के साथ। और इटालियन मार्बल लुक की दोस्तों आपकी फ्लोरिंग लगी हुई है, डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल्स लगी हुई हैं। और अगर मैं इसका आपका ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया के साइज़ की बात करूं, 20x12 इसका साइज़ रहने वाला है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा TV पैनल, बहुत बड़े साइज़ का पूरी वॉल पे आपको TV पैनल मिल जाता है। और नीचे आपको स्टोरेज मिल जाती है, ये यहाँ पे आ जाएगी हमारी मॉड्यूलर किचन, बहुत बड़े साइज की दोस्तों मॉडल किचन मिलती है, 11x8 इसका साइज रहने वाला है। यहाँ पे आपका नॉइस रूप सिंक आ जाएगा, विंडो आ जाएगी वेंटिलेशन के लिए, सब बिल्कुल आपके गेट के सामने आपको पता चल जाएगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये स्पेस आपके आ जाएगी रेफ्रिजरेटर के लिए। और ये देखिए सॉफ्ट क्लोजर के साथ गैस पाइपलाइन आपकी अंडरग्राउंड रहने वाली, सिलेंडर आपका स्टेयर्स के नीचे आने वाला है। ये आपकी चिमनी की प्रोविजनिंग देखिए, सारी किचन सॉफ्ट क्लोजर के साथ। ये आपका कॉर्नर की स्पेस, सीलिंग देखोगे तो आपको यहां पे मिलने वाली है, LED लाइट्स को यूज करा गया है सीलिंग में, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। तो चलिए आइए चलते हैं हमारे पहले बेडरूम में। इसका साइज रहने वाला है 14x11 का। और इसकी भी देखिए एक बार फॉल सीलिंग, इस वॉल पे पूरा वॉलपेपर आ जाएगा, स्प्लिट एसी प्रोविजनिंग आपको मिलने वाली है। और ये आ जाएगा हमारा वार्डरोब, डबल लैमिनेटेड, अंदर आपको लॉकर मिल जाएगा। नीचे आपको शू रैक मिल जाएंगे और एक अच्छी स्पेस मिल जाती है आपको फ्लोर और वार्डरोब में क्लीनिंग पर्पस के लिए। ये हमारा आ जाएगा ड्रेसिंग टेबल स्टोरेज के साथ। नीचे भी यहाँ आपको देखिए स्टोरेज मिल जाती है, यहाँ पे भी स्टोरेज मिलने वाली है। और यहाँ आ जाएगा हमारा TV पैनल, देखिए सेम मैच करता हुआ हमारा TV पैनल। और ये विंडो आ जाएगी वेंटिलेशन के लिए। और इस रूम के साथ आपको अटैच मिल जाता है वॉशरूम, 6x5.6 इसका साइज रहने वाला है। यहाँ पे आपका दोस्तों देखिए वैनिटी आ जाएगी आपका, यहाँ पे आपका पार्किंग एरिया आ जाएगा। और यहाँ पे आपकी आने वाली है वॉल हैंग सीट, रूफ हाइट से टाइल लगी है, सीलन पपड़ी का कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे आपको विंडो भी मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए। तो ये था हमारा पहला बेडरूम, आइए चलते हैं हमारे सेकेंड रूम में। यहाँ से आ जाएगा हमारा
सेकेंड बेडरूम, अगेन इसके साइज की बात करूँ 14x11 इसका साइज रहने वाला है। एक अलग डिजाइन का वॉलपेपर, स्प्लिट एसी की प्रोविजनिंग आपको मिलने वाली है, फॉल सीलिंग देखिए अलग डिजाइन की बहुत प्यारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आ गया हमारा वार्डरोब स्लाइडिंग के साथ। रूफ हाइट तक है तो स्टोरेज आपको अच्छी मिल जाती है। अगेन ड्रेसिंग टेबल आ जाएगा स्टोरेज के साथ, और यहां आ जाएगा नीचे हमारा ड्रेसिंग की स्टोरेज। डबल लैमिनेटेड दोस्तों आपको पूरी वार्डरोब मिलने वाले। ये स्पेस आ जाएगी हमारी टीवी पैनल की, और इसके साथ भी हमारा अटैच आ जाएगा वॉशरूम। 6x5.6 इसका साइज रहने वाला है। देखिए बहुत प्यारे डिजाइनर टायर्स लगे हुए हैं रूफ हाइट तक, ऊपर भी आपको सीलिंग में लाइट्स मिल जाएगी, कंसील लाइट्स मिलने वाली हैं। पूरा दोस्तों आपको वॉशरूम रेडी करके दिया जाएगा सारी एक्सेसरी के साथ, और यहाँ आ जाएगा हमारा रियर कोर्टयार्ड। इसका जो साइज होने वाला दोस्तों 8x5 का, यहाँ पे आपको टैप की प्रोविजनिंग मिलती है, आप अपनी वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं, और ये हमारा डक्ट एरिया रहने वाला है ताकि आपकी वेंटिलेशन बने रहे। आपके दोनों वॉशरूम की, दोनों बेडरूम की वेंटिलेशन यहीं से मिलती है। तो ये 108 गज का दोस्तों इंडिपेंडेंट घर है, 3 BHK ऊपर आप रेंट आउट करिए, बहुत अच्छी रेंटल इनकम भी आती है। तो आइए चलते हैं हमारी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और ये देखिए स्टेयर केस पूरा ग्रेनाइट लगा हुआ है स्टील रेलिंग के साथ। तो ये आगे हम अपनी फर्स्ट फ्लोर पे, वो देखिए ये सामने दोस्तों प्लॉटिंग कट रही है, और जहाँ पे आप देख रहे हैं ये ब्रिक्स पड़ी हैं, ये पाइप पड़े हैं, अगर कैमरामैन आपको जूम करके दिखा दें, ये हमारी 200 फुट रोड है। तो एक अच्छी गेटेड सोसाइटी में आपको ये 108 गज की कोठी मिलने वाली है। ये हमारी बालकनी है दोस्तों, 20x3 इसका साइज रहने वाला है, और ये हमारा पोर्च एरिया, इसका साइज रहने वाला है 12x5। तो यहाँ पे भी देखिए आपको कंसील लाइट्स मिल जाती हैं, यहाँ पे आप दोस्तों अपनी इवनिंग टी एंजॉय कर सकते हैं, और ये प्रॉपर आपको 1 BHK के ऊपर मिलता है। ये देखिए 8x7 ये आपको एल शेप में किचन मिलती है, चिमनी की प्रोविजनिंग, प्रॉपर दोस्तों आपको 1 BHK के ऊपर बना के दिया जाएगा ताकि आप इसको रेंट आउट कर सके। सिंगल आपका सिंक आ जाएगा, विंडो आ जाएगी वेंटिलेशन के लिए, अगेन आपको पता चल जाएगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और ये आ गया हमारा एक छोटा सा सिटिंग एरिया। इसकी अगर मैं साइज की बात करूं 8x8 इसका साइज रहने वाला है, और यहां से एक्सेस आ जाता है हमारे थर्ड बेडरूम का। इसका साइज रहने वाला दोस्तों 13x11 का, बहुत बड़े साइज का, देखिए ग्लास मैश के साथ वेंटिलेशन के लिए, और ये पूरी वॉलपेपर आपका बहुत प्यारा, और स्प्लिट एसी की प्रोविजनिंग, फॉल सीलिंग देखिए बहुत प्यारी एक अलग डिजाइन की, और ये आ जाएगा हमारा टीवी पैनल स्टोरेज के साथ, और ये आगे वार्डरोब देखिए रूफ हाइट्स तक आपको ये वार्डरोब मिल जाते हैं स्लाइडिंग के साथ। और यहीं से एक्सेस आ जाता है हमारे अटैच वॉशरूम का। और अगर मैं इसके साइज की बात करूं, इसका साइज रहने वाला है 6x6 का। तो रूफ हाइट्स तक अगेन टाइल लगी हुई है, कोई इशू नहीं है सीलन पपड़ी का, आपको फॉल सीलिंग यहाँ पे भी मिल जाती है, और ये मिल जाती है हमें विंडो वेंटिलेशन के लिए। तो ये था दोस्तों हमारा 3 BHK इंडिपेंडेंट घर, लोकेशन सेक्टर 124, बिल्कुल 200 फुट रोड के साथ, अच्छी लोकेशन अच्छी लोकेलिटी। अगेन प्राइसिंग साइजिंग सारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको, इसमें जैसा घर आपने देखा वैसा ही मिलने वाला, और ये आपको ओपन रूम मिल जाता है। यहाँ पे आप चाहे तो अपनी और कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और यहाँ से स्टेयर्स मिलती हैं आपको सेकेंड फ्लोर के एक्सेस के लिए। तो कैसा लगा दोस्तों आज का घर? बहुत अच्छा, बहुत प्यारा बन हुआ, बजट फ्रेंडली घर रहने वाला है। सारी प्राइसिंग सारी लोकेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और अगर दोस्तों आप इसकी शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए हमारा
इंस्टा पेज, फेसबुक पेज और हमारा व्हाट्सएप चैनल जल्दी से फॉलो कर लें। और दोस्तों कोई भी क्वेरी हो कभी भी कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों प्यार दें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।